हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, आपने जैसा कि थंबनेल पर देखा कि मिर्च की खेती में पत्ते मुड़ने वाला रोग 100% नहीं लगेगा, तो दोस्तों आज की वीडियो में ऐसा ही होने वाला है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि यहाँ खेती किसानी से जुड़ी जानकारी मिलती रहती है। चलो दोस्तों, वीडियो को देखते रहिए अंत तक, ताकि रोग आपकी खेती से पूर्ण रूप से नष्ट हो जाए। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं मिर्च की खेती में पत्ती मुड़ने वाले रोग की। दोस्तों, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि इसे और किस किस नाम से जाना जाता है। हाँ तो दोस्तों, इसे कुकड़ा और चुड़ा मुरड़ा रोग के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस रोग के कारण मिर्च की फसल को सर्वाधिक नुकसान पहुँचता है। दोस्तों, यह रोग दो कीटों के कारण लगता है, जिनके नाम हैं थ्रिप्स और माइट्स। दोस्तों, यही कीट हैं जिनके कारण मिर्च की खेती में पत्ती मुड़ने वाला रोग लगता है। दोस्तों, यह रोग सफ़ेद मक्खियों के कारण एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलता है। दोस्तों, हमें यह भी पहचानना होता है कि फसल में थ्रिप्स लगा है या फिर माइट्स। दोस्तों, इसके लिए अगर थ्रिप्स लगता है तो पत्ती ऊपर की ओर मुड़ती है, अगर माइट्स लगता है तो पत्ती नीचे की तरफ मुड़ती है। दोस्तों, इन दोनों कीटों का काम पत्ती का रस चूसना होता है। यह कीट पत्तियों का रस चूस लेते हैं, जिसके कारण पत्तियां ऊपर या नीचे की ओर मुड़ जाती हैं। दोस्तों, यह कीट पत्तियों के नीचे की तरफ पाए जाते हैं। इन कीटों के कारण रोग बढ़ने पर पौधे का विकास रुक जाता है, अर्थात इसके फलस्वरूप मिर्च की पैदावार में कमी आ जाती है। दोस्तों, यह रोग लगभग कई फसलों में लगता है, जैसे टमाटर, बैंगन, आलू, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका प्रकोप मिर्च की खेती में ही देखने को मिलता है। दोस्तों, इस रोग की रोकथाम के लिए सबसे पहले उस पौधे को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए जिस पौधे में इस रोग के लक्षण दिखने लगते हों, या फिर ज़मीन में गाड़ देना चाहिए। दोस्तों, अब वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि अब इस रोग की रोकथाम के लिए ऐसी दवा बताने वाले हैं जो 100% पूरा काम करती हैं। दोस्तों, आपके खेत में मिर्च की पत्ती अगर ऊपर की ओर मुड़ रही है तो आपको पता हो जाएगा इसमें थ्रिप्स लगा है। दोस्तों, थ्रिप्स के प्रकोप को कम करने के लिए प्रति 5 लीटर पानी में 30 मिलीलीटर ट्राइजोफॉस 40 EC मिलाकर छिड़काव करें। इसी तरह अगर पत्ती नीचे की ओर मुड़ती है तो माइट्स लगता है। दोस्तों, माइट्स के प्रकोप को कम करने के लिए 5 लीटर पानी में 40 मिलीलीटर प्रोप रजाइट 57% मिलाकर छिड़काव अच्छे से करना चाहिए। दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात आती है कि यदि मिर्च के पौधे पर थ्रिप्स और माइट्स दोनों का प्रकोप हुआ है। दोस्तों, इन दोनों कीटों से बचने के लिए माइटीसाइड और कीटनाशक दोनों का छिड़काव करना चाहिए। कीटनाशक में एक दवा आती है रोगोर, यह दवा भी बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, इसका डोज जो है वह 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। रही बात दोस्तों इस रोग के फैलाव की, जो कि सफ़ेद मक्खियों के कारण फैलता है। दोस्तों, सफ़ेद मक्खियों को नष्ट करने के लिए रोगोर डाइथोएट 30 EC भी बहुत कारगर दवा है, इसलिए इसका प्रयोग जरूर करें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि दोस्तों हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, इसलिए दोस्तों प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। और कोई समस्या आपको आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो।